चलिए सीखते हैं नारियल, धनिया पत्ता और पुदीने के चटनी। तो ये देखिए नारियल हमने मार्केट से लेकर आया है। तो सबसे पहले हम इस नारियल को निकालते हैं। आपको ये जो पूरी बोरी है 20 पीस होता है इसमें, और यही 1200-1200 के करीब। अभी तो थोड़ा महंगा है इसलिए मुझे दिया 1000 रुपये। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। तो चाकू से हम इसको अच्छे से कट कर लेते हैं। और इसके बाद जो इसका पानी है इसको हम अलग से ग्लास में निकाल लेते हैं। तो ये जो शीशे की ग्लास देख रहे हैं थोड़ा सा गिर गया, बट आप अच्छे से निकालें तो बिल्कुल पानी नहीं गिरेगा। तो चलिए इतना पानी निकला है इसमें। अब ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो मलाई है इसका हम मलाई निकालेंगे, और इसके बाद इसके मलाई का हम बनाएंगे चटनी। काफ़ी बेहतरीन और स्वादिष्ट लगता है चटनी, और आप जो मलाई फेंक देते हो इस मलाई का यूज भी हो जाएगा। तो जब भी आप नारियल पानी पिए तो मलाई ना फेंके। कई लोगों को खाना अगर पसंद नहीं है तो आप इसका चटनी बना सकते हो। तो ये देखिए हमने ढेर सारे यहाँ पे नारियल काटे हैं, तो इसमें के सारे मलाई निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ है, उसको काटना आसान था, तो इसको थोड़ा निकालने में हल्का सा मशक्क़त लग रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये चम्मच की मदद से हम इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए गाइज फटाफट हम इसके अंदर का मलाई निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। काफ़ी बेहतरीन लगता है, आप घर पे बना सकते हो और बहुत ही आसान प्रोसीजर है। आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इस तरीके से सभी नारियल जो है नारियल के अंदर मलाई, इसका मलाई पहले निकालते हैं और फिर इसकी चटनी बनाते हैं। एक एक इन्ग्रीडियंट के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो वीडियो पर आप बने रहें। तो लगभग हमारा मलाई निकल चुका है, ये देखिए इस ग्लास में हमने टोटल मलाई यहाँ पे रख लिया है। अब हमें कुछ चाहिए इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये पुदीना, ये धनिया पत्ता, ये मलाई, और इसमें देखिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा नींबू है, और यहाँ नमक और जीरा पाउडर। जीरा को हमने हल्का सा भून लिया था। तो चलिए हम इसको मिक्सी जो होता है इस ग्राइंडर में इसको डाल लेते हैं। जो भी हमारा ये जो थोड़ा सा टफ मलाई बन रखा है नारियल का, ये देखिए, तो इसको हम हल्का सा साफ़ कर लिया और इसको थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लेते हैं। इसके बाद जो हमारा ये धनिया और पुदीना है इसको हम ऐड कर लेते हैं, और इसके बाद ये जो हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सबको भी इसमें डालकर फिर नींबू को हम निचोड़ेंगे। तो नींबू निचोड़ने से पहले ये जो आप स्वादानुसार अपना नमक डाल सकते हैं, नमक और जीरा जो हमने हल्का सा भुना था इसको ऐड कर लिया है। तो चलिए हम नींबू निचोड़ते हैं और फिर इसको ढककर और मिक्सी में अच्छे से, मिक्सी हम चालू करके इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो वैसे ये देखिए ये हमारा बिल्कुल पीस चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो आप अपने अनुसार पानी ऐड करें जितना आप बनाना चाहते हो चटनी। तो थोड़ा सा लगभग हमने 1 कप के करीब पानी ऐड किया है। तो ये देखिए गाइज ये हमारा बिल्कुल चटनी तैयार है। अब हम इसको बिल्कुल फ्राई वगैरह नहीं करेंगे, कई लोग झोंक लगाते हैं इसमें, लेकिन हम नहीं कुछ लगाएंगे। और यहाँ पे हमने इसको डेकोरेशन के लिए हल्का सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। तो ये देखिए हमारा चटनी बिल्कुल बनके तैयार है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और काफ़ी टेस्टी होता है गाइज। तो आप इस तरीके से बनाए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।